प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर नए साल यानी 2022 में शुरू करें खुद का बिजनेस। अगर आप खुद कोई बिजनेस करना चाहते हैं, काफी समय से सोच रहे हैं अपना व्यापार करने का, तो नए साल में आप अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आप भारत सरकार द्वारा दी जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं और पैसों की तंगी की वजह से व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो जरूर देखें। लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं। इनमें से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबसे सफल सरकारी योजनाओं में से एक है। इसके तहत सरकार लोगों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज देती है। भारत सरकार दे रही है 10 लाख रुपए तक का लोन। कोई भी भारतीय नागरिक जो अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, वो PMMY के तहत लोन ले सकता है। अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानिए PMMY की खासियत क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यापारियों को आसानी से लोन मिल जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को फॉर्म भरना पड़ता है और अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। PMMY के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी। PMMY के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए किसी भी नजदीकी बैंक शाखा से PMMY का फॉर्म लीजिए। फॉर्म में अपना नाम, परमानेंट एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड की पूरी जानकारी सही से भर दें। जिन दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है उन्हें अटैच कर दें। अब आप अपना फॉर्म बैंक में जाकर जमा करके PMMY में आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए लोन चुकाने की अवधि। इस योजना में आवेदन करने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन स्वीकार हो जाता है, तो लोन चुकाने के लिए आपको 5 साल का समय दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना 2021 के अंतर्गत आपको मुद्रा कार्ड दिया जाएगा। मुद्रा लोन की विशेषताएं। ब्याज दर एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग अलग व्यावसायिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। गारंटी सुरक्षा आवश्यक नहीं है। न्यूनतम लोन राशि तय नहीं। अधिकतम लोन राशि 10 लाख तक। पुनर्भुगतान अवधि 3 साल से 5 साल तक। प्रोसेसिंग फीस 0। मुद्रा योजना के प्रकार शिशु, किशोर और तरुण। मुद्रा लोन के प्रकार व्यापार के आकार और विकास के साथ साथ धन की आवश्यकता के आधार पर मुद्रा लोन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिशु लोन। इसके तहत लोन उन लोगों को दिया जाता है जो अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आर्थिक मदद की तलाश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अधिकतम 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है। 5 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के साथ इसकी ब्याज दर 10% से 12% सालाना है। दूसरा किशोर लोन। ये लोन उनके लिए है जिनका व्यवसाय पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। इसके तहत दी जाने वाली लोन की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच होती है। ब्याज की दर लोन देने वाली संस्था के आधार पर अलग अलग होती है। व्यवसाय की योजना के साथ साथ आवेदक का क्रेडिट रिकॉर्ड भी ब्याज दर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोन भुगतान की अवधि बैंक द्वारा तय की जाती है। तीसरा तरुण लोन। ये उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार स्थापित हो चुका है और उसे बढ़ाने और संपत्ति की खरीद के लिए धन की आवश्यकता है। इसमें लोन की राशि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच है। ब्याज दर और भुगतान की अवधि योजना और आवेदक के क्रेडिट रिकॉर्ड पर आधारित होती है। मुद्रा लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज एप्लीकेशन फॉर्म, यदि लागू हो तो आवेदक और सह आवेदक की पासपोर्ट साइज की तस्वीरें, आवेदक और सह आवेदकों के KYC दस्तावेज, पहचान का प्रमाण, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। निवास का प्रमाण, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, बैंक विवरण आदि। इनकम प्रूफ जैसे कि ITR, सेल्स टैक्स रिटर्न, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन इत्यादि। एक विशेष श्रेणी जैसे कि SC ST OBC अल्पसंख्यक आदि यदि लागू हो का प्रमाण, व्यवसाय का पता और कार्यकाल प्रमाण यदि लागू हो, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस या प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो। तो अगर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।